नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस बहुचर्चित अंजना मिश्र गणदुष्कर्म मामला अभियुक्त विवन विश्वाल आज हेब टीआई परेड झारपड़ा जेल परिसर में जेएमएफसी सुजालीन महांति करेंगे टीआई परेड। 8 लाख टंका पई बालेश्वर युवक पणबंदी टंका न देले बंधु कमनरे हत्या धमकर वीडियो वायरल चाकरी आलरे कोलकाता डकाइथिले अपहरणकारी सोर थाना रे इतला। समलपुर हाथी मृत्यु घटनारे कार्यानुष्ठान सदर फॉरेस्ट रेंजर गौरी शंकर दास सस्पेंड हाथी सुरक्षा अवहेला अभियोग रे निलंबित 2019-21 जनवरी सुधा 6 हाथी होई। विजिलेंस आलरे कोटिपति शिक्षक वीरमहाराजपुर ब्लॉक शिक्षक संतोष साहू को घरे चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे संबलपुर और सोनपुर विजिलेंस रे। जाजपुर पिहू निखोज घटना संदेह रे दुई जन कोठाई नेला बिंझारपुर पुलिस पिहू मां मोनालिसा मौसा सुभाष जेना और तांको पुआ सुनील जेना अटक। एवं सिमिलपाड़ा व्याघ्र प्रकल्प में निआ लगवा घटना पदक्षेप और रिपोर्ट पर विभाग अधिकारी को निर्देश देते मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट करी उद्वेग प्रकाश करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। बुलेटिन आरंभ करवा से बड़ खबर सहित बहुचर्चित अंजना मिश्र गणदुष्कर्म मामलें गिरफ अभियुक्त विवन विश्वाल टीआई परेड आज झारपड़ा जेल परिसर में जेएमएफसी सुजालीन महांती करेंगे टीआई परेड। गतकाली टीआई परेड पर अनुमति देते सीबीआईर स्पेशल जज विवन को 4 और 5 तारीख पर रिमांड में ने अनुमति देते कोर्ट 5 दिनिया रिमांड में नेवाक सीबीआई आवेदन करता तेरे टीआई परेड पर सीबीआईर आवेदन पर प्रतिक्रिया रखी अंजना मिश्र से कहते विवन को किए फेरार कला ताक आसु 22 वर्ष पर टीआई परेड में विवन को चिन्हा कष्टर घटना पक्षर षड़ी को सीबीआई सामना को आणु बोली अंजना कही 1999 जनवरी 9 तारीख रातिर कटक बारंग थाना अंचल में घटी जघन्यकांड अंजना मिश्र गणदुष्कर्म शिकार होता बेले संपृक्त थे 3 अभियुक्त विवन विश्वाल प्रदीप साहू और धीरेन्द्र महांती। ए घटनार 17 दिन पर गिरफ होते प्रदीप और धीरेन्द्र हेले मुख्य अभियुक्त विवन फेरार थिला। तो अधिक सुनापाई सीधा सो नहीं चलु झारपड़ा जेल सम्मुख को अच्छा प्रतिनिधि संतोष जेना अच्छा संतोष टीआई परेड हवा आज मुख्य अभियुक्त विवन विश्वाल केते बेले टीआई परेड हेबो एवं क्यों क्यों माने इथिर उपस्थित रहिबे देखु निश्चित भाव अपूर्व टीआई परेड हवा नहीं वर्तमान समय जहाँ सूचना मिली आज कोर्ट अनुमति देखते आउ कि समय पर सीबीआई टीम और अंजना मिश्र सहित जो मैंने उपस्थित रहा कथा कोर्ट गाइडलाइन अनुसार जो जो जज हूँ कि जो सरकारी अधिकारी मान क्षेत्र में सामिल होगा पड़ो तार बहुत गुड़े गाइडलाइन अच्छी से गाइडलाइन अनुसार टीआई परेड हम कि पूर्व अंजना मिश्र जो प्रतिक्रिया रही ठीक 22 वर्ष पर से विवन ओरफ विवेकानंद विश्वाल किभली भाव में चिन्हे यहाँ गोटे बड़ चैलेंज एवं जहाँ सूचना मिलूँ ठीक 12टा समय रे अंजना मिश्र घर पुलिस सागर आसपुर टीआई परेड हे आउ जो कल जो आवेदन रिमांड आवेदन जहाँ खबर रही है 4-5 रिमांड 2 दिनिया रिमांड रिमांड ना जो कथ को अंजना मिश्र वर्तमान समय दोहराक चाहते प्रकृत में 22 वर्ष है विवन को किए फेरार करार सहायक होता और जितेबाला पुलिस पूरा कड़न था से विवन विश्वाल कार्य कि भाव में फेरार है सहित संपुक्त आउ कहार अच्छी कमिशन पुलिस जहाँ सूचना रोचे प्रकृति से संपर्क में सीबीआई विवन को लेकिन जेरा करपे जिते बड़े मुख्य अभियुक्त वर्तमान समय धरा पड़ी केस क्लोज हम अनेक गुड़े तथ्य प्रमाण संपर्क में जोड़ करने पड़ो गत आप देखिजे सीबीआई जे एडिशनल लीगल एडवाइजर जे प्रतिक्रिया रखुते कि भाव में जो जो स्टेप अच्छी से स्टेप मध्यम समस्ते जी और अंजना मिश्र पाखे गोटे बड़ चैलेंज रही से अभियुक्त विवन को किभली भाव में चिन्हे यहाँ सहित जो टीआई पैरेड हम ठीक 22 वर्ष तलर चेहरा आज चेहरा भितर बहुत किसी घटना भिन्न थोड़ा ताकि गोटे बड़ चैलेंज रोचे आईनजीवी जहाँ कहवा कथ विवन विश्वाल जो
पूर्वर जो साक्षी मैंने जो प्रमाण गुड़िका तागुड़ी धीरे धीरे नष्ट अनेक साक्षी तातर मरी सारे वर्तमान टीआई पैरेड गोटे बड़ भूमिका ग्रहण कर दोषी को सजा देवाई अर्थात अंजना मिश्र जदि विवन विश्वाल विवन को चिन्ह पारे तेल हुए तो यह घटना किसी मोड़ नहीं पारे और जदि अंजना मिश्र चिन्ह न पारती टीआई पैरेड सफल न हुए अंजना मिश्र निजे कहते 22 वर्ष तलर चेहरा को आज मुश्चित भाव सामना करी एवं से दिन चेहरा आज चेहरा भितर कौन सामंजस्य थी एक गोटे बड़ प्रश्न और अपूर्व आ गए कथ आसूँ रिमांड ने जो सीबीआई ता पूर्व सीन रिक्रिएसन हबार गोटे आशंका रखा सीबीआई नहीं ठीक 22 वर्ष तलर कहानी को आउ थे पुणी रिओपन करें अर्थात विवन को नहीं घटनास्थल डेमो देखा पारे जो जंगल रास्ता था किभली आसुले एम किए कि भाव में धमकैले कौ बाट दे कि ने कौ जगार दुष्कर्म करते किए किए कौ मध्यम प्लानिंग कर फेरार है एवं फेरार हवा समय किए किए सहित संप्रुक्ति थे और से दिन घटना को सीबीआई पक्षर सी रिक्रिएसन करें बोली गोटे आशंका रोचे ठीक 22 वर्ष तलर डेमो विवन जे बारंग किंग कथा कहुच्छ बारंग किंग विवन मध्यम समस्त सामना को अणाजी से ही दिन सीन रिक्रिएसन कर दुई दिनिया रिमांड में आउ किसी घटना सीबीआई जानकु चाहती जेहेतु विवन विश्वाल को गिरफ्त करी कमिशनरेट पुलिस और कमिशनरेट पुलिस पाखे बहुत गुड़े तथ्य प्रमाण था जहाँ सीबीआई कमिशनरेट पुलिस टू नहीं कमिशनरेट सीबीआई चान्स कर प्रकृति या भितर किभली भाव में विवन को जेहेतु सीबीआई रो गोटे बहुत विलंब प्रक्रिया था से विलंब प्रक्रिया भितर विवन सीबीआई विवन विश्वाल को गिरफ्त कर मुंबई में आज टीआई परेड कर अंजना मिश्र उपस्थित रहिबे तो सहित एसजेएम उपस्थित रहिबे बहुत बहुत धन्यवाद संतोष देनाम प्रतिनिधि जे कि पूरा अपडेट देउथले 8 लाख टंका पई युवक पणबंदी टंका नदेले हाथ गोड़ बांधी बंधुक मन में हत्या धमक वीडियो भाइराल बालेश्वर जिला सोर थाना केशवपुर गाँव तापस महांती 8 वर्ष धरी बांगलोर एक कैंटीन में काम करुथले एवं किछि दिन तले घर को फेरीथिबा बेले गत 28 तारीख दिन सकाळे एक अजना नंबर फोन करी चाकरी पई डकाइथिले यहपर तापस तुरंत कलिकता चली जाइए यहपर तापस का पत्नी को कल आसाला जे 8 लाख टंका नदे तुम स्वामी को छाड़बू 8 लाख टंका देले तुम स्वामी को छाड़बू नहले मारिदेबु एने अपहरणकारी माने तापस को हाथ गोड़ बंधा अवस्था रे और बंधुक टांगिया रखी वीडियो पठाई जहाँकि भाइराल हो स्वामी को बचाई सोर थानार द्वारस्थ होती पत्नी सुकांति अपहरणकारी देखा आकाउंट में 50,000 टंका परिवार तरफ दि जाए सुकांति गर्भवती थी बेले स्वामी को रखापी आकु नवेदन कर झारपड़ा जेल रु मुकुले मृत उल्लास जेना पर 14 दिन धरी जेल रहापर से मुकुंट विधानसभा सम्मुखें आत्माहुति उद्यम बेले पुलिस से गिरफ्त कर जगत सिंहपुर उल्लास जेना मृत्यु को 5 वर्ष बीती सुधा एबेबी न्याय अपेक्षार परिवार लोके बारंबार न्याय दाबी करी विफल होगापर परिवार लोक विधानसभा सम्मुखें आत्माहुति देवाक उद्यम करते पुलिस से गिरफ्त कर झारपड़ा जेल में 14 दिन रखी था आगामी दिन में डीजी और डीसीपी माँ निकट को पत्र लिखे माँ कहते एवं जेपर्यंत परिवार को न्याय न मिली एमिति संघर्ष जारी रहिबे बोली सेमाने चेतावनी देछन्ते दरकार पड़िले देशर सर्वोच्च न्यायालय निकट को सेमाने जीवा को प्रस्तुत बोली केस लड़ुथवा वकील कहछन्ते संघर्ष तो जारी राखिबी नवीन पटनायक होम डिपार्टमेंट को नवीन पटनायक हाथ रखिछन्ति सेमाने ये जो अछन्ति कमिश्नरेट पुलिस से मैंने नवीन पटनायक जो स्लोगान दे माँ को सम्मान गाँ को कम सी के कार्यकारी करते कार्यकारी कर आज मत किए सम्मान देने मुझे जड़े माँ न्याय भिक्षा से कौन कर मत जेल रख 14 दिन आ डीसीपी डीजी माँ जदि था डीजी माँ पाख ना डीसीपी माँ पाख मुझे चिट्ठी लिखी पिला उचित शिक्षा दिंतु आज्ञा देखते गोटे पर गोटे पु चलीगला 5 वर्ष हो प्रशासन किसी कलानी 5 वर्ष भितर कि नक फल मो माँ विधानसभा को आत्माहुति देवाई आसला ताकू आम नापी आसी सांगे ये जो कमिशनरेट पुलिस अच्छी उभय को बांधिक आमको 14 दिन भितर रखिला एठी माने अन्याय विरुद्ध लड़वाटा बोधे पाप मो भाई की न्याय मिलला ना मो पर न्याय मिलना आज पर्यंत न्याय दाबी जितेबाला मो माँ आसला विधानसभा सम्मुख को से मैंने आरेस्ट तो कले कले बहुत प्रकार टॉर्चर भी कले
न्याय निश्चित भाव आम भारत बर्षर सर्वोच्च न्यायिक संस्था पर्यंत से जमी केमती न्याय पर ता पर्यंत आम जा प्रस्तुत अच्छा मुझे परिवार सांगे अच्छी मुझे परिवार को कनसल्टासी दे आईनजीवी हिसाब से मुझे परिवार सांगे अच्छी जिते पर्यंत से परिवार को न्याय न मिलती से पर्यंत मुझे परिवार सांगे रही। जाजपुर कुनी शिशु पिहू निखोज घटना संदेह दुईज को उठाई नेला बिंझारपुर पुलिस। पिहू माँ मोनालीसा नायकों मौसा सुभाष जेना और तांक पुओ सुनील जेना अटक रखी पुलिस। सेमान घर बिंझारपुर थाना रणपुर अंचल गत सात मास धरी निखोज अच्छी कुनी झी पिहू। बिंझारपुर पुलिस पिहू को खोजबारे विफल होछे। यार मध्य पिहू निखोज नहीं पोस्टर मरा अभियान पोखरी सुखा अभियान सब सरी एजाए कौन सुफल पाई पुलिस। सेपटे पिहू बापा कहवा अनुसार पुलिस तदंत सठिक ढंग से नक कथा को एड़ाई जावाई बारंबार से हईराण कर स्थानीय लोके पुलिस कार्यानुष्ठान नहीं प्रश्न उठाई पुलिस तदंत दिगहरा होता कहते स्थानीय लोके पुलिस चोर को सुरक्षा देवाई एपरी करुवा अभोग कर परिवार लोके। तो कुनी झी पिहू को उद्धार करने जाजपुर पुलिस पुणी एक पदक्षेप नहीं सूचना आँचुची जे मोनालीसा नायक जे कि पिहू माँ तांको मऊसा को मऊसा पुओ को पुलिस उठाई नहीं राति अधिया उठाई नहीं तदंत आरंभ कर बिंझारपुर पुलिस पिहू को खोजबारे एपर्यंत विफल रही सात मास धरी कुनी झी पिहू निखोज अच्छे आ पिहू को खोजापी यार मध्य पुलिस केत पुष्टर मरा अभियान चल तो पुणी केत पोखरी सुखा अभियान किंतु एपर्यंत पिहू पाखे पहुंचबारे तमाम प्रयास विफल रही। आम प्रतिनिधि परमेश्वर अच्छा अधिक सूचना परमेश्वर पिहू पाखे पहुंचा पुलिस लाटेस्ट कौन पंथा अपने ही पूर्व जदि आम कहीपर दीर्घ सात मास व्यवधान पर बर्तमान पिहूर जी रही माँ मोनालीसा नायक तांकर जे संपर्क मऊसा हबो एवं तांकर मऊसा को पुओ ए दुई जन को गत काली पुलिस उठे नेची एवं तांकु पचरा उचरा जारी रखी। आम पाखरे वर्तमान जा सूचना रही पिहू तांको परिवार धरी एबे बिंझारपुर थाना रे अछंती कारण सबुटु बड़ घटना होची जेतेबेले बारंबार पिहूर माँ सीधासळख भाबरे अभिजोग करथिले तांकर जो दुई वर्षर झियो रहितला पिहू से गाँ दांडरे खेळुतला बेले ताकु की अपहरण करी नेची एहा सत्वे भी मध्य पुलिस सब प्रकार प्रचेषा जारी रखी कथ कहता बेले जिते सात मस बीतला से पोखरी सुखा अभियान आरंभ कला एवं ठीक जोई दिन पोखरी सुखा अभियान आरंभ कला से ही दिन पोस्टर मरा अभियान आरंभ करता हेल्ले कौन सुफल पुलिस को बर्तमान हस्तांतर हो पारिना तो से जितेबाला पिहूर माँ देखिथे भुवनेश्वर जाऊते कैपिटल थाना पांच तारीख पर विधानसभा सामने धारणा बसवाई जो पत्र देवाई जाते देवा समय पुलिस गाड़ी हटात उठे नहीं तापर जदि आम घटना को देखा गत काली जितेबाला पिहूर मऊसा को पुलिस उठे नहींतल पिहूर माँ बर्तमान प्रतिक्रिया रखुंत कि जाशु पुलिस बर्तमान तक पर हईराण करुच्ची घटना को जो दिगरे नवा कथा से दिगरे ने पर लोक बारंबार डाकिकी पचराउचरा करुच्ची गोटे प्रकार भाव में जितेबाला पिहूर बापा पॉलीग्राफ टेस्ट सरी सारी पुनर्बार से किपर भाव में पर लोक प्रश्न उठाऊ नहीं कि बर्तमान पिहूर माँ सीधासल जाजपुर जो बिंझारपुर थाना रही परमेश्वर फेरुचे आप सहित फोन लाइन अच्छा पिहूर माँ मोनालीसा नायक अच्छा मैडम आपको स्वागत करुच अर्गस को आपण मऊसा सुभाष जेना और तांको पुओ सुनील जेना पुलिस राति अध्या उठाई नहीं अटक रखी एने आपण को सूचना दि जाइए प्रकृत में से दुई जनकर पिहू निखोज होगा पचरे कौन हाथ थी पारे कौन सन्देह कर मते केवल मानसिक चिंता दवाई कि मो रिलेटिव तो जेहेतु मोर अच्छी बिंझारपुर थाना पाखापाखी रणपुर मो मऊसा घर जोटा कहीं ना बिंझारपुर थाना भी जाऊा जिते चार तल केस दिखाई से बंधु बांधव रिलेटिव समस्त दिखाई ना दिखाई जिते तो कौन सी पदक्षेप ने कि कारिकी डाक प्रचरा उचरा कले से भी थाना बाला जाइए मो मऊसा मो भाई समस्त भी जाते करते हटात बारटा टाइम दिन बारटा टाइम कम को बाहरी मेसीन थोक आम करेंगे बोली हटात कहीकि उठा हो चल आम थाना रे ग्रिल भांगी जाइए आप चलतु सजाड़े या कहीकि
କହିଲେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ ଲାଗିବ ପଳେଇ ଆସିବି। ଏହା କହିକି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି ସାରା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଞ୍ଜରପୁର ଥାନା ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ତାଙ୍କ ପୁଅର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହଜିଥିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲି, ସିଏ ବି ଆସିକି ମତେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ ସେଠୁ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ମିସବିହେଭ କରିକି ଏଠି ବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ତାହେଲେ ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ପୁଅ ଭାଇକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି? ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିବ ନା? ଆମେ ଏହା ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ସୁଭାଷ ଜେନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ତ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ତମ ରିଲେଟିଭ ରେ ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ ନା। ତମ ମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମଉସା ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଜାଣିକି ଡେଲି ଖଟିବେ ଡେଲି ଖାଇବେ, ତ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଯାଇଛନ୍ତି କାମକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇକି ଆସିକି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି, 2 ଦିନ ଯୋଉ କାମ ହେଲାଣି, ସେ ପୁଣି ଖାଇବେ କଣ? ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ? କଣ ମୋ ପିଲା ନାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପରିବାର କିମ୍ବା ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲା ନାଇଁ କି ମୋ ଲାଗି କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ରିଲେଟିଭ ମରିବେ ନା କଣ? ମୋ କୋଉ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡାକିକି ବି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତମ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କର, କୋ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବେ କି ଥାନାରେ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି, ଆମେ କେସ୍ଟା ଉଠେଇଦେବୁ। ଏକଥା ବି ଆମକୁ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଲେ କାଲି 1:00 ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଯାଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇ କଥା କହିଲା, କହିଲା ଦେଇ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ପିଲା ମିଳିନି, ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଏ କଥା। ଅର୍ଥାତ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି, କେସ୍ଟା ଉଠେଇଦେବୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଛି? ସେ କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣା ଦାବି ରଖିଲୁଣି ନା, ଧାରଣା ବସିମୁ ବୋଲି, ସେ ଆଉ କଣଟା ପାଇବେ? ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲେନି ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ବାଟରୁ ଉଠେଇଲେ, ଯୋଉ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛି, ପାରିଲେନି। ଯେହେତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9 ତାରିଖ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବି, 5 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି କି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବସିବି, ସେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲେନି ନା, କରିବେ କଣ ଆଉ? ମତେ କୋଉଥିରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦବା ପାଇଁ ସେଇ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡା କିଛି ନୁହଁ। ନିଜ ଅପାରଗତା ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଏଭଳି ସବୁ କରୁଛି ବୋଧହୁଏ, ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ହଁ, ନିଜର ଯୋଉ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି କେବଳ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ 4 ମାସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକି କୋପରେସନ କରିଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ତ ସେତେବେଳେ ତ ଡକେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା ନା, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ପଚରା ଉଚରା କରୁନଥିଲେ, ଏବେ କଣ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ନେବେ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ମୁଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯେତେ ମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଜମା ଉରିବିନି ମୋ କଥାରେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି କରିକି ଦେଖିବି, ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସିବି, ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ? ସେ କାମ ସେଥିରେ ତ କଲେନି, ସେ ଅବହେଳା କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କରି ଭୁଲ ଲାଗି ଆଜି ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ କଣ ପାଇଁ? ରାତି ହଉ କାଲି ଦିନ ମାନ ତ ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଥାନାରେ ଅଟକେଇଛି ରଖାଏ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ 7 ମାସ ଧରି ଯୋଉ ପୋଲିସ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ପାରିଲାନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବେ? ବିଲକୁଲ, ମୋର ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପାଉନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବି, ସେଠୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇକି ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରେଇଲେ କି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ତ ଆଇଲି, 2-4 ଦିନ ଦେଖିବି ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଉଠେଇବାରେ କଣ ଅଛି? ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିକି ଆପଣ ଡାକିଲେନି, ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ତ କହିଲେ ମୁଁ କାମଟା ସାରିଦେଇକି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ନାଇଁ ଗ୍ରିଲ କାମ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରିଲ କାମ ସଜାଡି ଦେଇକି ଆସିବେ।
बहाना करी बने बने गेटा के बारे माने गण ओके बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा नायक पिहुर मां सीधास्थल क पुलिस र तदंत प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करबा सहित पुलिस निज विफलता लुचाइवा को जाई तांकु एवं तांका परिवार और तांका बंधु बांधव को एभली भाबे हैरान हरकत करूथबा सीधास्थल क अभिजोग करिसेंति समस्त रिचे बुलेटिन के एट रखुछु नमस्कार।